जो एक्चुअल नंबर है टू, उसमें से थ्री गया तो कितना आ गया? -1। लेकिन एरर्स को आपस में कभी माइनस नहीं करना, एरर्स हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे। ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 0.2। कोई डाउट इसमें? तो कभी भी दो नंबर सब सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, जब सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्चुअल नंबर को तो आपने माइनस कर देना है, और जो उनके एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनको आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये रूल भी क्लियर है? ठीक। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, सो दैट आप अपने हाथ से इसको प्रैक्टिस करो। तो फॉर एग्जाम्पल, थर्ड जो रूल है वो है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन के अंदर जेड इज इक्वल टू ए इन टू बी, दो नंबर आपस में सपोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन का प्रूफ है बड़ा लंबा, लेकिन मुझे लगता है कि करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर सही नंबर है, सही नंबर है तो सही नंबर है, जेड सही आएगा। लेकिन अगर सपोज करो एरर है, एरर लेके आना है इसमें, तो एरर का फॉर्मूला ये बोलता है इसमें कि इसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होते, इसमें रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। तो जेड का रिलेटिव एरर कितना है? डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू ए का कितना है? डेल्टा ए बाय ए, और बी का कितना है? डेल्टा बी बाय बी, और ये आपस में क्या हो गए? ऐड हो गए। कोई डाउट इसमें? तो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो इसके अंदर डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये आपने तरीका याद रखना है, माइनस आ नहीं सकता, रिलेटिव एरर आपस में क्या होंगे? हमेशा ऐड हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेम चीज का एग्जाम्पल लें, जैसे 2 ± 0.1 इंटू 3 ± 0.2, मान लो दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरा आंसर सपोज मुझे लिखना है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये कितना हो गया ए, ये कितना हो गया डेल्टा ए, ये कितना हो गया बी, और ये कितना हो गया डेल्टा बी। तो मुझे एक चीज पता है, जेड का मतलब तो करेक्ट वैल्यू है, और करेक्ट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है? 2 × 3 कितना हो गया? 6। अब मुझे सिंपली क्या निकालना है? डेल्टा जेड। और डेल्टा जेड अगर निकालना है तो मैंने आपको बताया दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेल्टा जेड बाय जेड इज डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। तो यहां से डेल्टा जेड, जेड की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 6। इज इक्वल टू डेल्टा ए का मतलब कितने? 0.1। ए का मतलब कितने? 2। प्लस डेल्टा बी का मतलब कितना है? 0.2, और बी का मतलब कितना है? 3। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा जेड की। कोई डाउट इसमें? जो भी डेल्टा जेड आएगा उसको उठा के आप यहां पुट कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर फाइनल आंसर कैसे लिखने हैं वो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कैसे लिखने हैं। ठीक। अब लास्ट रूल है, या सेकेंड लास्ट रूल है डिवीजन का। डिवीजन के अंदर जेड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी कर लेते हैं, ये लो। तो अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनके रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, तो उनके रिलेटिव एरर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक। सो इसके अंदर लेट अस सपोज, एक बार फिर से आपके पास दो नंबर्स को डिवाइड करना है, लेकिन एरर्स को सॉल्व करने का तरीका विल रिमेन सेम। हाँ, एक्चुअल नंबर आपस में डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये दो नंबर्स हैं तो यहां से मुझे आंसर लिखना है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो जेड की जगह तो 2 / क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा जेड निकालना है। डेल्टा जेड निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा जेड, जेड का मतलब कितना है इसमें? 2/3, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो 2/3 है। डेल्टा ए का मतलब कितना है? 0.1/2, और डेल्टा बी का मतलब कितना है? 0.2/3। यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा? डेल्टा जेड आएगा, और डेल्टा जेड को यहां पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक। तो डिवीजन का रूल भी क्लियर हो गया, ठीक है यहां तक? तो डिवीजन में आपको नंबर्स को क्या करना है, ये भी आपके पास वैल्यू आ गई। मैं आपको इस कैटेगरी के, सभी कैटेगरीज के अभी 5-6 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ताकि अपने हाथ से आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एक लेवल तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बाकी घर जाके इतनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो। ठीक। कोई लिमिट तो है नहीं प्रैक्टिस की, एरर्स के अंदर ही कम से कम 100-200 न्यूमेरिकल निकल आएंगे तो खत्म तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट एक जस्ट रिवीजन का है,
तो आप घर में जैसे मर्जी प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जो भी डाउट्स आएंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे को एक ओवरव्यू देना है, राइट। सो आपके पास डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई। अब लास्ट रूल है एक्सपोनेंट्स का, और सबसे ज्यादा रूल जो यूज होता है वो होता है एक्सपोनेंट का ही है। किसी भी कॉम्पिटिशन में, किसी भी स्कूल के अंदर या कहीं पर भी जो न्यूमेरिकल आएगा वो आएगा एक्सपोनेंट का ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोनेंट के अंदर सपोज जेड इज इक्वल टू, ये देखो, जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी, बी रेज टू पावर क्यू, सी एंड डी, और मान लो ये एस है और मान लो ये आर है। तो मान लो ये जेड की वैल्यू है, ठीक, इसमें पावर्स भी हैं। तो रूल ये बोलता है बड़ा सिंपल कि अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू दूं ए की, बी की, सी की और डी की, पी क्यू आर एस की, आप सारी वैल्यूज पुट कर लेना, आपके पास बिल्कुल सही नंबर आएगा, सही वैल्यू आएगी जेड की। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि मुझे एरर बताओ, तो एरर करने के लिए देखो, अगर ये पावर्स ना होती तो अंडरस्टूड है कि आप इसको मल्टीप्लीकेशन में लेते, इसको मल्टीप्लीकेशन में, और बाकी नंबर्स डिवाइड में। तो ऑब्वियसली डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी। तो इनके रिलेटिव एरर्स आप सिंपली क्या कर देते, ऐड कर देते, क्योंकि एरर सब्ट्रैक्ट तो होते नहीं ना, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो। तो आपने इनको ऐड कर दिया, और इनके आगे आपने सिंपली क्या करना है, हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, पी क्यू आर एंड एस, सिंपल। तो आपके पास सीधा रिलेटिव एरर आ जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड में। तो आपने क्या किया, आपने रिलेटिव एरर तो लिया ही लिया, साथ में उनकी पावर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट है इसमें, फॉर्मूला क्लियर है, डाउट है? सो फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं, जैसे टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एक फॉर्मूला के बना है, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, टू पाई एल रेज टू पावर हाफ जी रेज टू पावर हाफ, ठीक है यहां तक? तो जी नीचे ही है अभी, तो हाफ ही होगा, दोनों के ऊपर रूट रूट है। हाँ, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हाफ, वो अलग बात है, ठीक है यहां तक? अब सपोज करो, लेट अस सपोज आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाइम पीरियड की वैल्यू तो आपने निकाल ली। मान लो मैंने क्वेश्चन में कहा कि रिलेटिव एरर इन एल, रिलेटिव एरर इन एल का मतलब डेल्टा एल बाय एल, इसकी वैल्यू 0.2 है, रिलेटिव एरर इन जी इसकी वैल्यू 0.3 है, बताओ रिलेटिव एरर इन टी क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज दिख रहा है कि कुछ टर्म डिवाइड हो रही हैं और उनके ऊपर पावर्स भी हैं। तो इस टर्म को टी इज इक्वल टू टू पाई एल रेज टू पावर 1/2 जी रेज टू पावर 1/2 का रूल लगाते हैं, डेल्टा टी बाई टी। देखो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उनमें एरर नहीं होते, पाई में तो क्या ही एरर होगा कैलकुलेशन में, टू के अंदर तो क्या ही एरर होगा कैलकुलेशन में, तो प्लीज इनमें कभी एरर को नहीं लेना। हाँ, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना क्या करेगा, आपको कहेगा कि टाइम पीरियड निकालो, एरर मत निकालो, टाइम पीरियड टी निकालो। तो कई लोग गलती से क्या करते हैं कि मैंने कहा था कि टू पाई मत लेना, तो वो क्या करेंगे, टू पाई हटा देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एल पुट कर देंगे, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ जी पुट कर देंगे, कहेंगे टाइम पीरियड आ गया। फिर मैं कहता हूँ कि यार आपने टाइम पीरियड में ये क्यों हटा दिया आपने, अब वो कहते हैं सर आप ही ने कहा टू पाई हटा दो। मैंने ये नहीं कहा कि टाइम पीरियड के अंदर टू पाई हटा दो, मैंने कहा एरर की कैलकुलेशन में टू पाई को मत लो। तो यानी कि अगर कोई मुझसे क्वेश्चन, और मान लो टी की वैल्यू, चलो मैंने आपको 2 सेकंड दे भी दी और मैंने आपसे फाइनल आंसर पूछा, ये पूछ लिया, चलो छोड़ो मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं, मैंने आपसे ये पूछ लिया, अब इस वैल्यू के लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टी चाहिए होगी, फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी चाहिए होगी, तभी आंसर आएगा। तो टी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इसके अंदर टू पाई पुट करो और यहां पर पुट करो एल, एल की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा एल इसमें गिवन होना चाहिए था, चलो एल मैं ले लेता हूं 1 और जी मैं ले लेता हूं 9.8, चलो ये भी मैंने आपको दे दिया। तो जी की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो, एल की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो, तो यहां से टी तो कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है एरर निकालो, तो एरर के अंदर डेल्टा टी बाय टी 2 पाई के अंदर एरर नहीं लेना फॉर्मूले के अंदर, इसकी इसका रिलेटिव एरर डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा जी बाय जी, तो रिलेटिव एरर तो हमेशा ऐड होते ही है डिवीजन में, और जो पावर्स हैं पावर्स वो इसके नीचे आ गई, तो यहां पर कितना आ गया 1/2 एंड 1/2, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है 1/2, इसकी एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है 1/2, हाफ हाफ इसमें मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें, क्लियर? तो यहां पर अब सारी वैल्यूज को पुट कर लेना,
चाहो तो डेल्टा टी बाई टी निकाल लो, चाहो तो डेल्टा टी भी निकाल सकते हो, क्योंकि टी की वैल्यू मैंने आपको इसमें दे ही थी। अगर टी की ना वैल्यू देता तो आपको निकालनी पड़ती, जैसे मैंने आपको कहा टी निकाल लो, चलो टी अगर मैं नहीं दिया और मैंने आपसे ये पूछा कि चलो अब टी भी निकाल दो, अब टी का फॉर्मूला इतना बड़ा आपके पास है तो है, और सारी वैल्यूज आपके पास हैं, सारी वैल्यूज को पुट करके आप टी निकाल लेना, और टी के साथ डेल्टा टी इस फॉर्मूले से कैन बी कैलकुलेटेड। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ एक दो ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अभी दूंगा, तो बस उस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो वो कैसे होगा अभी डिस्कस करते हैं। क्या ये रूल्स 5 के 5 क्लियर हैं? ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखो फिर। सपोज लेट अस सपोज आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एल बीइंग मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 एंड जी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2, ठीक, या टी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2, ऐसे करो। तो पहले एल हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2, टी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2। जब मैं बोलता हूँ एक्यूरेसी ऑफ 0.2, इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर। ये मैंने आपको क्या दे दिया? डेल्टा एल। ये क्या दे दिया? डेल्टा टी। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर जी की जो वैल्यू है वो तो पता ही है आपको, 9.8 होती है, तो यूज हो करनी हो तो कर लेना, नहीं क्वेश्चन में डिपेंड करता है मैं क्या पूछूंगा। मैंने आपको एल की एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, सपोज लेंथ की वैल्यू 2 मीटर है, मान लो मैंने आपको टाइम पीरियड दे दिया 1 सेकेंड, लेट अस सपोज 1 मिनट के लिए, ठीक। मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एल और टी दोनों दे दी, डेल्टा टी डेल्टा एल दोनों दे दिए। आपको क्वेश्चन में कहा गया फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, ये फॉर्मूला दे दिया। एल हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1, तो इसका मतलब होता है डेल्टा एल। टी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2, इसका मतलब डेल्टा टी। एल और टी दोनों दे दिए एक्यूरेट, आपसे पूछ लिया क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन जी। पहले ये समझो परसेंटेज एरर इन जी का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी बाई जी इंटू, हाँ ये आपको निकालना है। ट्वेंटी 25% है, पता नहीं, मैं तो खुद अपने मन से ही वैल्यू लिखी है, चेक कर लेते हैं। देखो असली बात यह है कि कई लोग एक नॉर्मल मिस्टेक करते हैं, और जान के मैंने क्वेश्चन को भी ऐसा दिया है। क्या मिस्टेक करते हैं कि टाइम पीरियड को सिखाया गया 2 पाई एल रेज टू पावर 1/2, जी रेज टू पावर 1/2, ये सबने लिख लिया होगा। फिर एक्सपोनेंट का रूल भी सबने लगा लिया होगा, एरर तो इसमें लेना ही नहीं, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाय जी। कितने लोगों ने ऐसा किया? ओके फिर कितने लोगों ने यहां वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके माइनस किया? ओके तो गलत किया, ठीक, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डेल्टा जी बाय जी को आप कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हो, और मैंने आपको सिखाया एरर कभी माइनस नहीं होते, पहला रूल ही नहीं है ये एरर का, रूल ही एक है, जिस चीज को निकालना है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तब शुरू करो। तो पहला रूल ही तो मेन रूल है। तो सबसे पहले
आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, जो चीज निकालनी है, अब जैसे जो भी चीज निकालनी है पहले स्क्वेयरिंग कर लो ना, स्क्वेयरिंग करके आपके पास ये टर्म आ गई, क्या निकालना है, जी निकालना है, तो ऑब्वियसली बाकी टर्म्स को राइट पे। अब एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंगली डेल्टा जी बाई जी कॉन्स्टेंट में कोई एरर नहीं होगा, और यहां पर डेल्टा एल बाई एल टू टाइम डेल्टा टी बाई टी। आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा टी पता है, आपको इस क्वेश्चन में टी पता है, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ इसका मतलब होता है डेल्टा एल, इसका मतलब होता है डेल्टा टी। तो आपको इसमें डेल्टा एल पता है, डेल्टा टी पता है, सब कुछ पता है इसमें। और अगर आप इन दोनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। यहां से क्या आंसर आ रहा है इसका, 25%, 25%। ठीक है, ट्रिक समझ में आ रहा है। कई बार ना क्वेश्चन के अंदर जान के देने वाला क्या करेगा, एक ऐसा फॉर्मूला बना के देगा आपको इसमें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर -2, बी रेज टू पावर -3, और ऐसी सी रेज टू पावर 4 एंड डी रेज टू पावर 5। आपको वो परसेंटेज एरर इन ए दे देगा। परसेंटेज एरर इन ए का मतलब है डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। परसेंटेज एरर इन ए दे देगा 2%। परसेंटेज एरर इन बी को दे देगा कितना, 3%। और ऐसी परसेंटेज एरर इन सी को दे देगा 4%। और ऐसी परसेंटेज एरर इन डी को दे देगा मान लो 5%। और वो आपको क्वेश्चन में कहेगा फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, कितना फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। क्या है, 45 आ रहा है इसका? ओके ओके, जो भी आ रहा है 45% है, तो प्लीज यहां 45 कर लेना जितना भी आ रहा है। ओके इसको सॉल्व करना है, एक मिनट। यहां से आपको निकालना है डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, नेगेटिव साइन नहीं रखना क्योंकि एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं तो यही तो रूल है। तो पहले आपको सारी पावर्स को पॉजिटिव बनाना है, या फिर माइनस पावर्स को प्लस मान लो, क्योंकि वो तो रूल गलत हो जाएगा ना, ऐसे बोलना ही ठीक नहीं है। तो रेसिप्रोकल ले लो ना, उल्टा कर लो थोड़ा, या माइनस पावर को प्लस बना लो, मतलब कि नीचे ले जाओ। तो आप इसे पहले ठीक तरह करके लिख लो, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2, सी रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 3, डी रेज टू पावर 5। ठीक, तो यहां से डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ना चाहे 1 है या कुछ भी है तो हर टर्म डिवीजन में और पावर में। और इसका तो एक ही रूल है कि आप इसमें एब्सोल्यूट एरर्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 1 में तो एरर कोई एरर होगा नहीं, 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए, उसी तरीके से 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी, उसी तरीके से 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी, और उसी तरीके से 5 इंटू डेल्टा डी बाय डी। और दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा सी 4 टाइम्स, डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस थ्री इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस 5 इंटू डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। तो ऑब्वियसली आप परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी सब निकाल सकते हो, और यहां से पुट करके डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 कर सकते हो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो मतलब ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर आ जाएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस करते हैं जो कि टिपिकल, तो तीन क्वेश्चन राधर, फिर एरर्स का आपको आइडिया हो गया अब कि कैसे काम करना है, जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं जो नॉर्मली पेपर्स में आते होते हैं। एक तो टाइम पीरियड पे पक्का आता होता है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, इसके ऊपर तो आना ही आना होता है, या यंग्स मॉडुलस पे आता है, उस टाइम तो बड़ा अजीब लगता है कि कौन सी टर्म बोल रहे हैं प्लस वन, यंग्स मॉडुलस। अब आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी कि यंग मॉडुलस कैसे करते हैं। और या फिर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है सीरीज एंड पैरेलल, ज़्यादातर सबसे 99% चांस है कि सीरीज एंड
पैरेलल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएगा, स्पेशली पैरेलल के ऊपर। सो उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं अगले चैप्टर पे। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर गिवन है दो रेजिस्टेंसेज हैं, देर आर टू रेजिस्टेंसेज जिसकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1, तो ये आर है, ये प्लस माइनस डेल्टा आर वन है रादर, और ऐसे ही आर टू प्लस माइनस डेल्टा आर टू, तो सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 15 प्लस माइनस 0.2। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू गिवन है, दो रेजिस्टेंसेज मैंने आपको दे दी। क्वेश्चन ये है आप इसे सीरीज में लगाओ एक बार, दोनों रेजिस्टेंसेज को एक बार पैरेलल में लगाओ, और परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा, सीरीज में एंड पैरेलल में। जब मैं बोलता हूं कि सीरीज के अंदर परसेंटेज एरर निकालो, तो सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर वन प्लस आर टू, और परसेंटेज एरर का मतलब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा आर एस बाई आर एस इंटू 100, ये निकालना है। और ऐसी पैरल के अंदर अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा आर पी बाई आर पी इंटू 100। तो शुरू करो। वन पॉइंट टू परसेंट सीरीज में और पैरेलल में, पैरेलल में 1 बाय आर पी 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2। थ्री पॉइंट फाइव थ्री परसेंट 3.53%। ओके, तो 3.53। ओके, सो रेजिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल के अंदर सबसे पहली चीज मुझे ये वैल्यू निकालनी है डेल्टा आर एस बाय आर एस। अगर मुझे आर एस निकालने को कहोगे ना, एक्चुअल वैल्यू यानी कि एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एस, तो मैं आर वन की वैल्यू यहां से आर वन की वैल्यू क्या पुट करूंगा 10, आर टू की वैल्यू क्या पुट करूंगा 15, आंसर कितना आ जाएगा 25। और ऐसे ही मुझे पता है कि ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और आज का हमने पहला रूल यही तो सीखा कि अगर दो नंबर आपस में या दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
तो आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा आर एस इज इक्वल टू डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। तो डेल्टा आर एस इज इक्वल टू डेल्टा आर वन कितने 0.1, डेल्टा आर टू कितने 0.2, तो आंसर कितना आएगा 0.3। क्लियर यहां तक? तो आप इसमें डेल्टा आर एस की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आर एस की वैल्यू यहां पर पुट कर दो और इंटू क्या कर दो 100। तो ये आपके पास क्या जाएगा, डेल्टा आर एस बाय आर एस इंटू 100। क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो जब हम किन्हीं भी दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो ऐड करते हुए आपने उनके एब्सोल्यूट एरर को भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक? लेकिन पैरेलल के अंदर, जो पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल के अंदर बेसिकली क्या होगा, पैरेलल के अंदर हमने जो फॉर्मूला लगाना है, पैरेलल पैरेलल के अंदर फॉर्मूला लगेगा वन बाय आर पी इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, या इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। ठीक, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा एलसीएम लेके तो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आर वन आर टू तो सब ठीक है, मैंने आपको जो एक्सपोनेंट का रूल भी बताया या डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बताया, तो न्यूमिनेटर में दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं। कम से कम ये तो नहीं बताया कि नीचे भी प्लस आ जाएगा, ऐसा हमने कोई रूल किया नहीं और ऐसा कोई रूल होता भी नहीं। तो बेसिकली क्या करना होता है, आप इस टर्म को ऐसा क्यों नहीं करते, इस टर्म को एक टर्म मान लो और ये टर्म किसके इक्वल है, आर एस, क्योंकि आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल है इसमें, आर एस। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि कई लोग ऐसा लगाने की कोशिश करते हैं, डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू प्लस डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू, क्योंकि हर टर्म के आगे रिलेटिव एरर लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा मत लगाना, यहां पर ये एक टर्म है, यहां पर ये दो टर्म्स नहीं है। ठीक है यहां तक? तो इट इज ऑलवेज बेटर कि टू अवॉइड कंफ्यूजन कि इसमें प्लस है कि नहीं, इसकी रिप्लेसमेंट की एक टर्म से मैंने कर दी। अब मुझे पता है कि आपस में तीन नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं यहां से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर पी तो निकाल ही सकता हूं। आर पी का मतलब है आर वन, आर वन का मतलब है 10, आर टू का मतलब है 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15। ठीक, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आर ऑफ पी की वैल्यू आ गई, आर ऑफ पी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा आर पी, क्योंकि आपको फाइनली निकालना क्या है, डेल्टा आर पी बाय आरपी। आपको तो परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो आप यहां पर अपना वो एक्सपोनेंट वाला रूल लगाएं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ आता है जिसमें। तो ये डेल्टा आरपी बाय आरपी इज इक्वल टू डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू प्लस डेल्टा आर एस बाय आर एस। ठीक, तो यहां पर डेल्टा आरपी बाय आरपी, डेल्टा आर वन बाय आर वन, डेल्टा आर टू बाय आर टू, डेल्टा आर एस बाय आर एस। ठीक हो गया। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई एंड में कर लेंगे, डेल्टा आर पी बाय आर पी इज इक्वल टू डेल्टा आर वन की वैल्यू कितनी है 0.1, आर वन की वैल्यू कितनी है 10, डेल्टा आर टू की वैल्यू कितनी है 0.2, आर टू की कितनी वैल्यू है 15, डेल्टा आर एस की कितनी वैल्यू है, यहां मत देखो डेल्टा आर एस के लिए, यहां देखो 0.3। तो 0.3 और आर एस का मतलब कितना था 25, 25। तो अगर आप इन दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा पैरेलल के अंदर, जिसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है 3.53%। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? रोहन बड़े ध्यान से देख रहे हो। ओके, मैंने क्या किया, इसको एक टर्म ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। अब इसको मैंने क्या लिख लिया, डेल्टा आर वन बाई आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू प्लस डेल्टा आर एस बाई आर एस, और मैंने इसकी वैल्यू इसको पुट कर दिया, सीधा डेल्टा आर पी बाई आर पी आ गया। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन इज कि सपोज
यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर इज वाई इज इक्वल टू एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर एल एंड परसेंटेज एरर इन वेट परसेंटेज एरर इन वेट इज 0.5%, परसेंटेज एरर इन एल, परसेंटेज एरर इन स्मॉल आर एंड इन स्मॉल एल आर गिवन एज 0.5, 1%, 3%, 4%. फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई, ये निकालना है. मैं इसलिए जान के लिख नहीं रहा हूं करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, मैं ये चाहता हूं कि आप इसको खुद बनाओ. परसेंटेज एरर इन वेट को कैसे लिखते हैं आप खुद लिखो. आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वाई निकालना है. एंड क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वाई की करेक्ट वैल्यू इज 18.79 × 10^11. फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन वाई, फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन वाई. ठीक है, आपको कुछ टर्म में परसेंटेज एरर गिवन है, आपको क्या निकालना है इसमें, एब्सोल्यूट एरर इन वाई निकालना है. कितना आया बोल, परसेंटेज एरर कितना आ गया, 11.5. और वाई की डेल्टा वाई निकाल लेना फिर सीधा. सो इसके अंदर पहली बात तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूले में लगे क्या क्या, डेल्टा वाई बाय वाई. एक काम क्यों नहीं करते इसमें, क्योंकि वेट वर्ड यूज कर रहा है, क्यों ना ऐसा करें हम इसमें mg की जगह टर्म क्या यूज कर लें, वेट w, mg की जगह w. तो वहां से डेल्टा y बाय y, डेल्टा w बाय w प्लस डेल्टा l बाय l प्लस 2 × डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा कैपिटल l बाय कैपिटल l, क्योंकि एरर्स की कैलकुलेशन में पाई का कोई काम नहीं है. ठीक है, यहां तक ये पॉइंट सबको क्लियर है. यहां से डेल्टा, अगर क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100, डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू 100 का मतलब परसेंटेज एरर इन वेट. तो जब मैं लिखता हूं परसेंटेज एरर इन वेट, इसका मतलब होता है डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू 100, कितना, 0.5%. ऐसी परसेंटेज एरर इन एल को ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 1%, परसेंटेज एरर इन आर को ऐसे लिखेंगे कितना, 3%, परसेंटेज एरर इन स्मॉल एल को क्या लिखेंगे इसमें, 4%. ठीक, तो यहां पर वैल्यूज को पुट कर दो, 0.5% स्मॉल एल के केस में कितना है, 4%, स्मॉल आर के केस में कितना है, 3% और 1%. क्लियर यहां तक? ठीक, तो परसेंटेज एरर सीधा का सीधा आ जाएगा, कितना आ रहा है, 11.5% आ गया. अब क्योंकि आपको डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 कितना गिवन है, 11.5, डेल्टा वाई बाय वाई, वाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 18.79 × 10^11 × 100 इज इक्वल टू 11.5. आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा वाई आ जाएगा. एब्सोल्यूट एरर 215.05 × 10^9 के आसपास आएगा, जो भी आएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एरर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एरर्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे. ठीक ठीक है, तो आज का फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स के बाद,
जस्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक नंबर, एक नंबर क्वेश्चन तो पक्का आएगा। और यूनिट्स एंड डायमेंशन कमाल की बात है, अजीब लगेगा आपको सुन के, इस साल से पिछले साल जेई मेन्स का पेपर आया और यू वॉन्ट बिलीव यूनिट्स एंड डायमेंशन का पहला क्वेश्चन था उसमें, और वो भी ठीक ठाक था। ऐसा भी नहीं था कि अच्छा यूनिट्स है, ऐसा नहीं था, उसमें लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, उसमें काफ़ी कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व थी उसमें, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने दिया। तो बट द पॉइंट इज कि आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो 50 क्वांटिटी तो रिवाइज नहीं हो सकती, अब तो पूरी फिजिक्स पढ़ ली, अब तो क्या ही मैं बताऊंगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होती है, और एक्चुअल में तो इसको सबसे एंड में होना चाहिए था, सारी फिजिक्स पढ़ने के बाद अब स्टार्ट होना चाहिए था यूनिट्स एंड डायमेंशन होता क्या है। तो इट विल हार्डली टेक अबाउट वन एक लेक्चर पूरा यूनिट्स करने के लिए, जो उस टाइम तीन तीन लेक्चर और चार चार लेक्चर कंज्यूम करता है। बट द पॉइंट इज कि अब वो स्कूल के साथ कंपैटिबिलिटी का बड़ा इशू रहता है, तो इस वजह से स्टार्टिंग और बुक्स भी स्टार्टिंग वहीं से करती है, तो बड़े लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं हमारा टीचर क्यों नहीं करा रहा यूनिट डायमेंशन, शायद पता नहीं आता ही नहीं होगा यार, तभी शायद ये छोड़ दिया उसने। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज हम भी चलो चल पड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर बड़े सिंपल से तीन रूल हैं, तीन रूल हैं, और इन रूल्स के अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं, कभी भी कंपटीशन के पेपर में जाओगे ना, उसमें कंपटीशन के पेपर में चार ऑप्शंस होती हैं। देखो जिसमें तो परसेंटेज गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, उसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। कई बार वैल्यूज ना वेरिएबल की फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ए बाय वाई स्क्वायर समथिंग कुछ ऐसे, बहुत बार नोट किया है, बहुत बहुत बार नोट किया है, अब तो आप भी एक्सपीरियंस हो चुके हो कि कभी कभी पूछा उसने फोर्स का क्वेश्चन है, और जो चार ऑप्शन बनाई उसमें दो ऑप्शन फोर्स को मैच नहीं करती यूनिट से, कभी कभी आप चेक करना, कब बहुत बार ऐसा होता है, आप ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे होगे ना, उसमें देखना एक आध या दो ऑप्शन तो इसी से इलिमिनेट हो जाती है कि अगर मैं इसके 2 मिनट यूनिट्स जरा देख लूं तो इसके यूनिट्स ही मैच नहीं करेंगे उसके साथ। तो कभी भी क्वेश्चन जब स्टार्ट करो, खासकर ऐसे क्वेश्चंस, जरा सी नजर मार लेना कि यूनिट से कहीं दो ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं हो रहे, उससे क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक, हालांकि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है नहीं जिसमें शॉर्टकट्स चलते हों, क्योंकि शॉर्टकट्स मैथ्स में चल जाते हैं, पुट करके देख लेते हैं लोग चलते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या है कि कॉन्सेप्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकता है, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोलिजन होती है तो ये होगा, या इस मान लो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, तो कॉन्सेप्ट ही बचाएंगे आपको। पर फिर भी कई बार दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर पहली बात तो MLT के फॉर्मूला सबको बनाने आते हैं, तो क्वांटिटीज तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं ना, फोर्स का MLT-2 होता है, एनर्जी का MLT-2 होता है, तो अगर ये भी नहीं आता तो प्लीज फिर तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा मुझसे कि वो क्वांटिटीज बनती कैसे हैं। कोई है ऐसा जिसको वो भी नहीं आता? कोई बात नहीं, हाथ खड़ा कर दो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर है तो। अच्छा इतना सबको आता है, चलो ठीक है फिर। तो इसमें तीन एप्लीकेशन है, एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यूनिट डायमेंशन अभी खत्म हो जाएगा। क्या अगर आपको सारी क्वांटिटीज आती हैं तो एक फॉर्मूला, एक रिलेशन बनाने का काम करेगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो जैसे मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसके अंदर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है, और सर्कल में घूमती हुई किसी भी बॉडी की वेलोसिटी वी है, और जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी एंड उसका रेडियस। अब क्या रेज टू पावर क्या मालूम नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो एफ इज सम कॉन्स्टेंट इन टू MVR AB and C, और डायमेंशन फॉर्मूला के हिसाब से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, मास का M^A, वेलोसिटी का LT-1^B और लेंथ का R^C। तो यहां से MLT-2 मस्ट बी इक्वल टू M की पावर A, और ऐसी L की पावर B+C, T की पावर -P। ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपने ABC की फॉर्म में इक्वेशन लिख ली, आप M की पावर M के साथ कंपेयर कर लो A आ जाएगा, L की पावर L के साथ कंपेयर कर लो 1 = B+C बन जाएगा, T की पावर T के साथ कंपेयर कर लो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहां से B आ जाएगा, B आ गया, A आ गया, B को 2 यहां पुट कर दो तो C कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ABC को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो फोर्स इज सम कॉन्स्टेंट इंटू MVR, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है इसमें 2, सी की वैल्यू कितनी है -1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा MV² / R।
तो इस तरीके से फॉर्मूलास को आप बना सकते हो किसी भी यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर। ये पहली एप्लीकेशन है, क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई क्वांटिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ए बी सी लगाते जाओ, बस इसमें खास बात ये होती है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, क्वांटिटी का पता होना चाहिए। ये प्रॉब्लम तब थी जब आप नए नए प्लस वन में हुए थे, अब तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, सारी क्वांटिटी तो प्लस वन की आपको कर ही ली। हाँ, अनलेस आपका टीचर आपको कोई प्लस टू की क्वांटिटी ना दे दे, अब आपको फ्लक्स दे देगा तो आप क्या कर लोगे, आपको म्यूचुअल इंडक्शन दे देगा तो आप क्या कर लोगे। तो वैसे देना तो नहीं चाहिए, प्लस वन की क्लास में लोग प्लस वन की ही क्वांटिटीज के न्यूमेरिकल देंगे। ठीक, तो मेथड फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर है। सेकेंड एप्लीकेशन की इक्वेशन जो है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर कोई रिलेशन आपको गिवन है, जैसे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी का मतलब क्या है एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन, और एक्सेलरेशन का मतलब एल टी माइनस टू इंटू टी, यानी कि एल टी माइनस वन। तो अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं एक रिलेशन में, या चार चार टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं इन्वॉल्व एक रिलेशन में, हर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। ये क्वेश्चन ऑफ होमोजेनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर सपोज ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एनर्जी इज सम कॉन्स्टेंट ए माइनस कॉन्स्टेंट बी एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई लेट अस सपोज फोर्स एफ। मान लो क्वेश्चन है किसके अंदर आपको क्या गिवन है कि ऐसे ले लेते हैं, ए फॉर एनी कॉन्स्टेंट, ए फॉर कॉन्स्टेंट, ई फॉर एनर्जी और एल फॉर लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाय बी, बी इज अगेन सम कॉन्स्टेंट, तो फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी एंड ए। आपने निकालना है फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बी एंड ए। सोच रहे हो, ए के लिए सोच रहे हो, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप बहुत बुरी तरीके से भूल गए हो पूरी जो स्टार्टिंग की फिजिक्स है। ए का एल स्क्वायर, यार सेम क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं अगर, उनका डायमेंशन फॉर्मूला मीटर में से मीटर की क्वांटिटी माइनस हो सकती है, न्यूटन में से न्यूटन की हो सकती है, न्यूटन में से जूल की तो हो ही नहीं सकती। तो आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, चलो मेरे को एक दो और देने पड़ेंगे इसमें, कि पहली बात ये क्वांटिटी सेम है तो यहां पर ये एल स्क्वायर है, तो ए का मतलब ही सिंपली क्या है, एल स्क्वायर है, तो ए का मतलब यहां पर क्या है, एल का स्क्वायर है। अब आपको बी निकालना है। अब एक चीज देखो, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू होता है, न्यूमिनेटर देखो ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो एल स्क्वायर, जीरो नहीं बोलना क्योंकि न्यूमिनेटर में, क्योंकि देखो ना आप अपने मन में एल स्क्वायर का मतलब, एल का मतलब अपने मन में मीटर लेके चलो आपको, क्योंकि यूनिट्स की जगह डायमेंशन वर्ड है, हमने वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है कि किसकी वैल्यू में से क्या माइनस हो रहा है, हमने यूनिट्स या डायमेंशन को देखना है। जैसे ये मीटर स्क्वायर की क्वांटिटी में से मीटर स्क्वायर की क्वांटिटी को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में, तो पूरे न्यूमिनेटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या चल रहा है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसको नीचे ले जाओ, एम रेज टू पावर माइनस वन टी रेज टू पावर टू। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे फोर्स एफ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ए इंटू रूट एक्स प्लस बी, तो बोलो ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बी का एम एल टी माइनस बी का फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि तीन क्वांटिटीज हैं, तीन क्वांटिटीज में अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एम एल टी माइनस टू है, इसका भी एम एल टी माइनस टू है, इसका आंसर तो आ गया। अब ए इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, तो यहां पर ए एक्स की जगह एल रेज टू पावर वन बाई टू, एम इंटू एल इंटू टी रेज टू पावर माइनस टू, तो यहां से ए की वैल्यू आपके पास आ गई एम एल रेज टू पावर हाफ टी रेज टू पावर माइनस टू, तो इसको इसके नीचे डिवाइड कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या है पॉइंट, सबको क्लियर है? सेकेंड एप्लीकेशन समझ में आ रही है? अब जैसे सपोज
ठीक है, हाँ जैसे ये ले सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो ये क्वेश्चन है। और अब तो आपको कुछ कुछ समझ आने लग गया, इतना समझ में आ ही गया कम से कम, ए साइन ओमेगा टी। और अगर आप अपने मन में फाइ लिख लो इसे, तो कहीं ना कहीं एस एच एम की क्वेश्चन बनने वाली है या वेव की, जिसमें ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ की जगह ए साइन ओमेगा टी, यानी कि ओरिजिन से ऊपर नहीं, ओरिजिन से नीचे से कहीं से पार्टिकल स्टार्ट हुआ। तो कहीं ये मैथमेटिकल अब चीज़ें समझ में आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है। और ए का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि ओमेगा का एंड के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ओमेगा का टी रेज़ टू पावर माइनस वन और के का एल रेज़ टू पावर माइनस वन कि माइनस टू। ठीक, सो पहली बात, यहां पर ये एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं, और जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं उसका वन है। Anything is to power 0 is 1. तो इसके अंदर अगर ये 1 है तो obviously ये भी किस में आएगा? 1 में, और ये भी किस में चलेगा? 1 में। तो अगर ये 1 है तो ओमेगा इंटू टी का डायमेंशन फॉर्मूला 1 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय टी है, यानी कि टी इज टू पावर माइनस 1 है। और उसी तरीके से के इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है? 1 है, तो यहां से के की वैल्यू कितनी है? 1 बाय एक्स है, यानी कि एल इज टू पावर माइनस 1 है। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक, तो सेकेंड एप्लीकेशन भी क्लियर है। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन का रूल तो बड़ा सिंपल था, वो फॉर्मूला होता था n2 इज इक्वल टू n1 कन्वर्जन वाला, जूल से अर्ग्स, अर्ग से जूल, वो वैसे सबको आता ही है, पर इस मेथड से करना जरूरी होता है एग्जाम में। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल, आगे देखो, थर्ड एप्लीकेशन के अंदर आपको ये गिवन होगा, जैसे 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करने का एक तरीका होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चल रहा है? SI, और राइट हैंड साइड CGS। इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो N1, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय N2। ठीक, आपको N2 निकालना, N1 गिवन है, तो आप एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो SI, यहां पर लिखो CGS। तो यहां पर लिखो M1 L1 T1 N1 M2 L2 T2 N2। SI सिस्टम में स्टैंडर्ड मास का यूनिट 1 kg है, तो इसमें 1 ग्राम है, 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड है, N1 की वैल्यू इसमें 1 है, तो N2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ऐसे टेबल बनाते हैं योगेश। ठीक, तो इसमें M1, L1, T1, N1, M2, L2, T2, N2, और आपको N2 निकालना है, और आपको N1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहां तक फॉर्मूला जो इसमें यूज होता है वो क्या फॉर्मूला था? N2 N1 रेस M1 M2 रेस टू पावर A, L1 L2 रेस टू पावर B एंड T1 T2 रेस टू पावर C। ठीक, वेयर क्वांटिटी कौन सी चल रही है इसमें? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? MLT माइनस 2। इनकी पावर कितनी है? 1 एंड 1। M की पावर को A बोलते हैं, L की पावर को B बोलते हैं, T की पावर को C बोलते हैं। ABC आ गया, इस ABC को उठा के ऊपर पुट कर देते हैं। N2 N1 का मतलब कितने है? 1। M1 का मतलब 1 kg 1 ग्राम रेस टू पावर A का मतलब 1, L1 का मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर रेस टू पावर B का मतलब 1, 1 सेकेंड 1 सेकेंड रेस टू पावर C का मतलब -2। तो यहां से M1 L1 M2 L2 सबकी वैल्यूज पुट कर दी, पावर्स पुट कर दी ABC 1 1 एंड कितना -2। तो यहां से N2 तो नंबर है ना, तो 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम रेस टू पावर 1, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर रेस टू पावर 1, 1 सेकेंड 1 सेकेंड रेस टू पावर -2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1000 इंटू 100 इंटू ऑब्वियसली 1, 10 रेस टू पावर 5।
ठीक, बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करती जानी है फॉर्मूले में और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान लो 6.67 इंटू 10^11। ठीक, ये एसआई में वैल्यू है, एसआई में। इसके यूनिट्स क्या होते हैं चेक कर लें, फोर्स क्या होता था, जी इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो जी क्या होता है एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। आपको इसमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीजीएस वैल्यू निकालनी है, जो भी होगा डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर और जो भी है ग्राम स्क्वायर, सेम मेथड यूज करना है, सेम मेथड में कोई चेंज नहीं। तो आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सॉल्व फोर्स के लिए नहीं करना, वो किसके लिए करना है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी के लिए करना है। फोर्टीन एट। ओके, सो पहली बात तो डायमेंशन फॉर्मूला पहले चेक कर लें। डायमेंशन फॉर्मूला में फोर्स का मतलब कितना है, एमएलटी माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू एम, एम से एम क्या हो गया कैंसल, एम रेज टू पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू, तो ए कितना आ गया माइनस वन, बी कितना आ गया थ्री, और सी कितना आ गया माइनस टू, एबीसी आ गया। ठीक, ऐसे किया, जब तो वो नहीं ठीक निकलेगा तो आंसर कैसे सही आएगा। ठीक, एबीसी आ गया, तो एन टू इज इक्वल टू एन वन, 6.67 इंटू 10^11, एम वन की जगह 1 kg 1 g रेज टू पावर ए की जगह माइनस वन, 1 m 1 cm रेज टू पावर बी की जगह 3, 1 s 1 s रेज टू पावर कितना माइनस टू, तो 6.67 इंटू 10^11 इंटू 1000 g बाय ग्राम, 100 cm बाय सेंटीमीटर, 1 s बाय 1 s, तो यहां से कैंसल कैंसल कैंसल, 6.67 इंटू 10^11 वन बाय 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यूब है ना। ठीक, तो यहां से ये 3 0s क्या हो जाएंगी कैंसल, तो 1, 2 और 3 यहां पर कितना हो गया 14। ठीक, तो मेथड समझ में आ रहा है, कई टीचर उल्टा क्वेश्चन दे देते हैं, सीजीएस में वैल्यू दे देते हैं और एसआई में निकालते हैं, जैसे कि मैंने भी टेस्ट के अंदर दिया था जब आपका टेस्ट हुआ था। ठीक, सो मैं अपनी बात कर रहा था। ठीक, सो इसमें अब वो करके दिखाओ जो आपने शायद उस टाइम शायद काफी लोगों ने गलत किया था, एक दो स्टूडेंट का ही ठीक था। सो इसमें क्वेश्चन ये था, अब क्या ही, अब समझ में आ ही रहा है आपको सारा, कि 1 N में कितने डाइंस, क्वेश्चन दे दिया था कितने न्यूटन्स इज इक्वल टू सपोज 10^5
डाइस। अब क्वेश्चन तो उल्टा हो गया ना, ये कितने N1, ये कितने N2, सब कुछ सेम है, बस पूरे क्वेश्चन के अंदर N2 को अब आपने पुट कर देना 10^5 और N1 निकाल लेना, आंसर तो पता ही है क्या आएगा, 1 ही आएगा। और समझ में आ गया कि कई बार उल्टे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने फॉर्मेट वही रखना है, सब कुछ वही रखना है, वैल्यूज को उल्टा पुट कर देना, आपके पास आंसर आएगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है। एक अपने हाथ से करके देखो क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन इज, एज्यूमिंग दैट फ्रीक्वेंसी न्यू, एज्यूमिंग दैट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन, एज्यूमिंग दैट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन, फर्स्ट पार्ट, अप्लाइड लोड एफ, अप्लाइड लोड एफ, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, जिन्होंने नहीं लिखा, नंबर वन अप्लाइड लोड एफ, नंबर टू लेंथ एल, लेंथ एल, एंड नंबर थ्री मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एम। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड लोड एफ, कैपिटल एफ, लेंथ एल एंड मास पर यूनिट लेंथ एम। तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाना है, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। वन बाई एल अंडर रूट ऑफ एफ बाई एम, वन बाई एल अंडर रूट ऑफ एफ बाई एम। सी सबने ऐसे शुरू किया, फ्रीक्वेंसी एफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी न्यू, इन तीनों पर डिपेंडेंट है, बस ये याद रहे, इसमें एम का मतलब मास नहीं है, इसमें एम का मतलब मास पर यूनिट लेंथ है। तो आप इन्हें कंबाइन करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी कॉन्स्टेंट इन टू एफ रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी एंड एम रेज टू पावर सी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टी रेज टू पावर -1, कॉन्स्टेंट का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, फोर्स का मतलब लोड एम एल टी -2 रेज टू पावर ए, लेंथ का मतलब एल और मास का मतलब एम, नहीं एम एल -1, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसको ओपन करते हैं, एम है नहीं तो जीरो, एल नहीं है तो जीरो, टी है तो -1, एम की पावर ए प्लस सी, एल की पावर ए प्लस बी -c और टी की पावर -2a। इसको इससे कंपेयर कर लो तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको इससे कंपेयर करो ए प्लस बी -c इज इक्वल टू जीरो,
और इसको इससे कंपेयर कर लो, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू ए, ए कितना आ गया 1/2, ए 1/2, तो सी कितना आ गया माइनस 1/2, और बी कितना आ गया, बी इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू यहां पर हाफ है -1, ठीक। तो इस फॉर्मूले में पुट कर लो, न्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एफ एल एम, एफ का मतलब रेज टू पावर ए, ए का मतलब हाफ, एल का मतलब -1, एम का मतलब -1/2। तो न्यू इज सम कांस्टेंट इनटू एफ रेज टू पावर 1/2, एम रेज टू पावर 1/2 और 1/L। तो यहां से न्यू इज सम कांस्टेंट इनटू 1/L अंडर रूट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एम, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक है यहां तक क्लियर? सो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लियर। तो इस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और विद वन मोर क्वेश्चन कि व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, स्पेशली डायमेंशन फॉर्मूला। एक तो डायमेंशन फॉर्मूला को देखते आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये किसका फॉर्मूला है, जैसे एम एल टू टी माइनस टू है, क्या पता वो हीट एनर्जी का है, क्या पता पोटेंशियल एनर्जी का है, क्या पता काइनेटिक एनर्जी का है, आप उसको बता नहीं पाओगे। नेक्स्ट, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू को नहीं बता पाता। दो, तीसरा क्या करता है, थर्ड, ये चार या पांच या छह क्वांटिटीज को सॉल्व नहीं करता, ये सिर्फ तीन क्वांटिटीज को ही सॉल्व करता है, ठीक। तो इस टाइप के कुछ अगर आ जाए क्वेश्चन, वैसे न्यूमेरिकली आएगा मुझे मालूम है, बट द पॉइंट इज कि अब आपको आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके बाद स्टार्ट होता था मोशन इन 1D, आपको याद होगा, और दो और टॉपिक हैं, वो एक आज नहीं करवाना, वो नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। एक तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अब मुझे मालूम है तो एरर और यूनिट के साथ कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, वो और ज़्यादा बोर हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक सा रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक चैप्टर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो होगा वो लेंथ टाइम मेजरमेंट होगा, और एक लेंथ टाइम मेजरमेंट में वो पैरलेक्स मेथड और उसका एक दो न्यूमेरिकल आते होते हैं, पारसेक, और वो अजीब अजीब से यूनिट्स को यूज़ करता है कि अगर सन घूम रहा है अर्थ के पास, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होते हैं, तो उसके ऊपर एक टॉपिक, एक 15 मिनट है, और कई स्कूल में आता भी है मेरे ख्याल से, वो ओलिक एसिड का वो निकाल लो जो भी था, आता है ना। हाँ तो चलो, इन एनी केस एक तो वो कर लेंगे, 15 मिनट लगेंगे हार्डली, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 5-7 मिनट लगते हैं, ऐसा लगते नहीं है। उसके बाद आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मोशन इन 1D, और वेक्टर फिर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो ये वेक्टर और प्रोजेक्टाइल रादर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो दो लेक्चर में काफ़ी कुछ इसको पिक करने की कोशिश करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आने वाले यूनिट बहुत बड़े हैं, वो सबको पता है, ये तो अभी छोटे छोटे हैं, आने वाले तो रोटेशनल मोशन में कम से कम दो दो लेक्चर लग जाते हैं, तो अकेला रोटेशनल इतना ले जाएगा, वर्क पर एनर्जी पूरा पूरा यूनिट ले, एक लेक्चर ले जाएगा, तो इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मोशन इन 1D का, मोशन इन 1D के अंदर सबसे पहली चीज स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसके बाद 2D और 3D के लिए वेक्टर आ जाता है। मोशन इन 1D के अंदर हमने बेसिकली क्या किया था, मोशन इन 1D के अंदर हमने ये स्टडी किया था, स्ट्रेट लाइन में कि टाइप ऑफ मोशन से स्टार्ट होता था, आपको याद होगा, वो तो छोटी छोटी डेफिनेशन होती थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऑब्वियसली डिस्टेंस ही बोलेंगे, लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डिस्टेंस, और ऐसी वेलोसिटी और स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है वो जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और स्पीड के अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट था ये चैप्टर, टाइप ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहला दो कैटेगरीज में या तो बॉडी चलेगी नहीं, या चलेगी तो दो तरीके से चलेगी, अगर वो रेस्ट पे है चलेगी नहीं, हमेशा बोलता हूँ ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो खड़ी है तो उसको क्या स्टडी करें, और अगर वो चलेगी या तो अपनी स्पीड सेम रखेगी या स्पीड सेम नहीं रखेगी, यानी कि वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो
तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है या तो एक्सेलेरेशन है या फिर रिटार्डेशन है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या रखेंगे, जीरो। ठीक है यहां तक? अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन। दो पार्ट्स हो गए। एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर भी फर्दर दो पार्ट्स हैं। मान लो एक्सेलरेशन तो है, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि बॉडी अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती जा रही है, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कभी वो काफी तेज कर रही है, कभी वो स्लो डाउन कर रही है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। तो इसको, इस टाइप की मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मत बोल देना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या ली जाती है, जीरो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसका चांस थोड़ा कम, या किसी हाई एंड क्वेश्चन में जब इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आती है, ज्यादातर यही केस लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन पूरी जर्नी की क्या रखते हैं, रिटार्डेशन कांस्टेंट, या फिर यहां पे आ जाते हैं। ठीक, तो अब तो मैं, क्योंकि आपने सब कुछ सुना ही हुआ है, मैं ये भी साथ में बोल सकता हूँ, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करती है उसका एक ही फॉर्मूला लगता है, एस इज इक्वल टू वी टी, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो फॉर्मूला लगता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और उसी तरीके से एक्सलेशन अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो उसमें तो देखो कुछ भी लगेगा, लेकिन वो किसी इंस्टेंट पे निकलेगा, क्योंकि मैं कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में कि बॉडी तेज चलेगी फिर स्लो हो जाएगी फिर रिटार्ड करेगी, एक्सले इसके बारे में आप कुछ जज नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है यहाँ तक? सो सबसे पहली चीज, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा ग्राफ्स प्लॉट किया करते थे, एक्स टी ग्राफ एंड वी टी ग्राफ, बड़े फेमस ग्राफ्स थे। ठीक, तो एक्स टी और वी टी ग्राफ के अंदर हमने क्या, पहले हम एक मोशन ले रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखो तो सबसे पहले जो मोशन स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, सो इसको स्टडी करने के लिए हम पहले ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, फिर कैलकुलस मेथड यूज करेंगे, दो मेथड्स थे। ठीक, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर दो ग्राफ हैं, एक एक्स टी ग्राफ है एक वी टी ग्राफ है। तो अगर मान लो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर मैं इसका एक्स टी ग्राफ प्लॉट प्लॉट करूं, या एक्स है और ये टी है, या एस टी ग्राफ प्लॉट करूं, तो हमने इसको क्या, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वो क्यों, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि सपोज करो मान लो बॉडी यहां पर है, ये ओरिजन है, ओरिजन है, और सपोज करो कोई बॉडी यहां पर है एक्स वन, एक्स वन, और सपोज करो थोड़ी देर बाद इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्स टू, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली, एक्स टू माइनस एक्स वन कितने टाइम में, टी। तो अगर मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स टी ग्राफ प्लॉट करूं तो ये मेरा ओरिजन है 0.0। सपोज वो बॉडी ए पर थी, बी पर आ गई, ए पॉइंट पर उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स वन, और ये कितना है एक्स टू, तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी हो गया, और टी टाइम पे बी पॉइंट यहां पर आएगा, ए पॉइंट यहां पे आएगा, क्योंकि ए पॉइंट पर टाइम 0 है, बॉडी चली है टाइम टी इज इक्वल टू 0 और टी टाइम पे आ गई, तो टाइम का कोऑर्डिनेट यहां पर 0 है और डिस्प्लेसमेंट एक्स वन है, और फाइनली क्या हो गया, टी टाइम पे बॉडी बी एक्स टू पे आ गई, तो आपका जो ग्राफ बना वो क्या बना, ए से लेके बी तक बना। क्लियर है यहां तक? तो आपका जो ग्राफ है वो ए से लेके बी तक बना, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप निकाल लूं, स्लोप का मतलब टेन थीटा निकालना, तो ये कितना होगा एक्स टू माइनस एक्स वन और ये टी, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, एस बाई टी हो जाएगा, या एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टी हो जाएगा। तो एक रिजल्ट हमने ये किया। ठीक है यहां तक?
और अगर मैं इसी का एक वीटी ग्राफ प्लॉट करूं, ये टाइम है, ये वी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू पूरी जर्नी में क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन पैरेलल विद टाइम एक्सिस। ठीक। और इसका भी रिजल्ट था, अगर मैं इसके अंडर एरिया निकाल दूं, ये रहा एरिया, तो ये वी है और ये कितना है? टी है। तो वी इंटू टी, इसका मतलब क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स टी वी टी ग्राफ की का जो अंडर एरिया आएगा वो आपको क्या देगा? बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। दो रिजल्ट हमने किए। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो हमने मोशन किया वो किया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन थी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो ऐसा इसको स्टडी करने के लिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। मान लो बॉडी की वेलोसिटी यहां पर यू है, यहां पर वी है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितने कवर कर ली? एस। तो इसमें अगर मैं इसका एक्स टी ग्राफ प्लॉट करूं, हम हमेशा बोलते थे, मैं प्लस वन में जब आप स्टार्ट हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो मैं क्वेश्चन पूछा करता था, बताओ इसका एक्स टी ग्राफ क्या प्लॉट करूं। तो इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दिया करता था, एक्सलेशन ठीक है, कॉन्स्टेंट है, सही है, पर अगर मान लो मैं आपको कुछ नहीं देता और मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां पर वेलोसिटी यू है, जो बॉडी चली और बहुत देर के बाद जब वो रुकी या उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी वी थी, तो रास्ते में क्या डिस्प्लेसमेंट कवर हुई वो कोई कह नहीं सकता। रास्ते में गाड़ी कहां से आई? आप इनिशियल वेलोसिटीज को देखते हुए या फाइनल वेलोसिटी को देखते हुए आप बता नहीं सकते हो कि एक्स टी ग्राफ एग्जैक्टली कैसा बनेगा। इसीलिए इसका कौन सा ग्राफ प्लॉट किया जाता है? वी टी। हाँ, अंदाजे से बना सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बना सकते। इसका अगर वी टी ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये टाइम है और ये वी है, ये सबको पता है कि ए पॉइंट पर टाइम जीरो है और वेलोसिटी कितनी है? यू, ये क्योंकि वेलोसिटी एक्सिस है, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई? वी, और एट टाइम टी, तो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो ग्राफ फिर से क्या आ गया? एक स्ट्रेट लाइन। इस बार अगर मैं इसकी स्लोप निकालता हूं, तो ये कितना है? वी माइनस यू, ये कितना है? टी। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव वी माइनस यू बाई टी, यानी कि एक्सलरेशन ए। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको वी देता है और स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ आपको ए देता है। ठीक है यहां तक? ठीक है, ये दो रिजल्ट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो था, क्योंकि तो हम स्ट्रेट लाइन मानते ही जा रहे हैं, ये तो कोई जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और ये तो कोई जरूरी नहीं कि आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, और अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या होगा, इसको एक बार देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सपोज, लेट अस सपोज, मैं चार ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये टाइम, ये एक्स स्ट्रेट लाइन, सपोज ये टाइम, ये एक्स और ये ग्राफ, सपोज ये टाइम, ये वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन, और या फिर ये टाइम, ये वेलोसिटी और ये कुछ ऐसे, या तो स्ट्रेट होगा या स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है यहां तक? तो अगर तो वो स्ट्रेट है, ये रहा, फिर तो क्लियर है क्या कि इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? टेन थीटा दिस बाय दिस, और स्लोप आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन की क्या है? कांस्टेंट। तो यानी कि साफ पता लग रहा है वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब ये है। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें देखें ये एक्स टी ग्राफ है। अब आप एक चीज देखो, अब स्लोप तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस पॉइंट की स्लोप निकालनी हो, ड्रॉ अ टेंजेंट, तो यहां स्लोप इस दिस बाय दिस आएगी। इसके ऊपर निकालनी है, ड्रॉ अ टेंजेंट, तो हर के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ देती क्या है? वेलोसिटी। तो हर पॉइंट पर क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी? अलग अलग वेलोसिटी। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एन नंबर ऑफ वेलोसिटीज आएंगे। तो ये तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा सकता, इसमें फाइंड वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऐसा नहीं आएगा। इसमें ऐसा आ सकता है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मान लो आपकी जर्नी ए से स्टार्ट होके बी पर गई, तो आप सिंपली क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो स्ट्रेट ए से बी तक,
तो अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दो अपॉन टोटल टाइम निकाल दो, तो आपके पास जो वेलोसिटी यहां पर आएगी वो टोटल वेलोसिटी नहीं बोल रहा, उसको एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। इसीलिए एक फॉर्मूला हमने किया था, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर यहां तक? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और समझ में आ रहा है वो ऐसा क्यों किया था हमने। और उसी तरीके से सेम, अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप भी क्या है? कांस्टेंट। और इसकी स्लोप होती क्या है? एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलेरेशन, तो यानी कि एक्सेलेरेशन इज अ कांस्टेंट। ठीक, लेकिन इसके अंदर वीटी ग्राफ की हर इंस्टेंट पर स्लोप क्या हो रही है? चेंज। तो एक्सेलेरेशन की एन नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, इसमें बहुत सारी आएंगी, तो सारी एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, चेंज हो रही है। और इस केस में एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन जो लोगे सीधा ज्वाइन करके, टोटल यहां से यहां तक, दिस बाय दिस, तो यहां पे कौन सी एक्सेलेरेशन आएगी? एवरेज एक्सेलेरेशन। ठीक है ना? तो यानी कि एवरेज एक्सेलेरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, एवरेज एक्सेलेरेशन आ जाएगी। पर एवरेज एक्सेलेरेशन के फॉर्म क्वेश्चंस आपने बड़े कम ही देखे होंगे, बहुत ही रेयर है, जिसके अंदर कोई बहुत हाई एंड क्वेश्चन होगा उसी में यूज होगा, जो एक्सेलेरेशन को चेंज करवाएगा। नॉर्मल के अंदर तो एक्सेलेरेशन सेम ही रहती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। सो ग्राफिकल मेथड के ऊपर तीन ही क्वेश्चन के प्रूफ थे, प्रूफ दैट एस इज वी टी और वी इज यू प्लस ए, शायद आपने 9th या 10th में किए हुए हैं। ग्राफिकल मेथड हो जाएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ग्राफिकली प्रूफ कर लोगे वी इज यू प्लस ए टी और सब कुछ? और नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस मेथड में तो टेक्निक ही बड़ी सिंपल है, आपने कैलकुलस की हेल्प से जो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू वी टी, या फिर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक, तो ये चार इक्वेशंस हैं जो आपको प्रूव करने को आती है, इनमें से एक तो पक्का रहता ही रहता है, और उसमें कंपटीशन के अंदर एक मोशन इन 1D के ऊपर क्वेश्चन आता है, वैसे या तो प्रोजेक्टाइल पे आएगा या मोशन इन 1D पे, एक इन पूरे चैप्टर में से पक्का ये क्वेश्चन आएगा। और ज्यादातर जो लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है, मोशन इन 1D के ऊपर एक बॉल पे क्वेश्चन कभी नहीं आता, हमेशा दो बॉल्स को इकट्ठा घेरता है ऊपर, या दो बॉल्स को इकट्ठा ही नीचे घेरेगा, तो वो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ही पूछता है। रादर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी अगर बॉडी नीचे आ रही है और सिंपल क्वेश्चन उसने पूछना है, कंपटीशन में सिंपल कभी नहीं पूछेगा, वो दो इंक्लाइंड प्लेन लेगा, दोनों के ऊपर अलग अलग एक्सेलेरेशन से ब्लॉक्स को नीचे मूव करवाएगा, और फिर रिलेटिव एक्सेलेरेशन पूछेगा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, पर पहले एक ब्लॉक के ऊपर करते हैं फिर दो पे आएंगे। तो पहली चीज तो ये कि इसके अंदर एस इज इक्वल टू वी टी अगर आपको प्रूव करना है, तो आपको इसमें एक इसमें इमेजिन करना है कि सपोज करो ये ओरिजिन है फिर से, और इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितनी है? x1 है, और सपोज यहाँ से कितनी है? x2 है। या अदर ऐसे करो, यहाँ पर s इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s हो गई है टाइम t इज इक्वल टू 0 से t। ठीक, एक चीज याद रखना क्वेश्चन को करने से पहले, बहुत प्लस वन के अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चन किए थे जब आप स्टार्ट हुए थे, जिसमें बेसिकली x गिवन होता है, v निकाल लो, v गिवन होता है, a निकाल लो। तो अब आपको ज्यादा समझ में आता है, अगर मान लो x की वैल्यू मैं 2t² प्लस t प्लस 1 देता हूं, और आपसे क्या पूछता हूं? dx बाय dt, और अब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी को, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। ठीक है, और उल्टा अगर एक्सेलेरेशन गिवन हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो एक्सेलेरेशन होती क्या है? डीवी बाय डीटी। मान लो किसी क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन गिवन है टी स्क्वायर, वो पूछेगा वी निकाल दो, तो एक्सेलेरेशन क्या होती है? डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डीवी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू डीटी, इसे इंटीग्रेट करोगे तो वी इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3। और ऐसी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? टी क्यूब बाय 3, तो डीएक्स इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3 इंटू
डी टी इसे इंटीग्रेट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू टी इज टू पावर 4/12 समथिंग डिस्प्लेसमेंट आएगी, प्लस कॉन्स्टेंट्स लगाते जाना। तो मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट गिवन है वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन डिफरेंशिएट करके, और एक्सेलेरेशन से उल्टा जाना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो इंटीग्रेट करके, ठीक। तो कैलकुलस का यूज है इसमें, तो कैलकुलस के यूज से आप इसमें क्या करोगे, एस इज इक्वल टू वी टी अगर आपको प्रूव करना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाय डी टी, ठीक है माधव, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, नींद आ रही है। तो डी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डी टी, ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है। और इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके एस तक और जीरो से लेके टी तक। तो एक्स की इंटीग्रेशन जीरो से एस तक वी कांस्टेंट है, और यहां पर इंटीग्रेशन टी जीरो से लेके टी तक, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी टी, ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है, ठीक। ऐसे ही वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर आपको प्रूव करना है तो इसमें स्टार्ट करते हैं एक्सेलेरेशन से। मान लो आपकी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल कितनी है वी है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टी, ठीक। तो इसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती क्या है, डी वी बाय डी टी, या डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, ठीक। तो इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूं तो मेरी वेलोसिटी का चेंज कहां से कहां तक है, यू से वी, और टाइम की लिमिट क्या लग रही है जीरो से टी। 1 dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v u से लेके v, a कांस्टेंट है, 1 dt t 0 से लेके t, एक बार v की जगह अपर लिमिट, एक बार v की जगह लोअर लिमिट, a इंटू एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो क्या आएगा v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है यहां तक। और तो लास्ट प्रूव करना है या सेकेंड लास्ट, एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी, वेलोसिटी। सी वी इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, पर मेरे को मेरा क्वेश्चन किसी इंस्टेंट वी वेलोसिटी पे नहीं निकालना, मेरे को तो यू इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में निकालना है। तो मैं पुट कर सकता हूं यू प्लस ए टी इंटू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी टी प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी, और इनकी मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन जीरो से लेके एस तक, जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक। तो यहां पर एक्स आ जाएगा जीरो से लेके एस तक, और यू कॉन्स्टेंट है, 1 dt की इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक, a कांस्टेंट है, t की t स्क्वायर बाय 2 कितना 0 से लेके t तक, ठीक। तो इसके अंदर s माइनस 0 इज इक्वल टू यू t माइनस 0 प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर माइनस 0, तो आपके पास आंसर आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ठीक। और मैंने ये करते हुए ये भी बताया था कई स्कूल्स में ऐसा भी आता है प्रूव करने को कि वो क्या करेंगे, आपको प्रूव करने को कहेंगे कि x इज इक्वल टू x नॉट प्लस u इंटू टी माइनस टी नॉट प्लस हाफ इंटू ए टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। तो जिन जिन लोगों को ये प्रूव करने को आएगा वो सिंपली इन लिमिट्स को भी क्या कर देंगे चेंज। तो यहां पर लिमिट लगा देना x नॉट से लेके x तक, t नॉट से लेके t तक, इसको इंटीग्रेट करना एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, बाकी तो सेम है, ठीक। और लास्ट है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो उसके बाद आई होप इतना सफिशिएंट है आज के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं किया हमने प्लस वन में, इतना काम तो एक लेक्चर में हो सकता था, तो हम क्या करते रहे एक महीना, हम पढ़े ही नहीं, हमने किताबें नहीं ली 2 महीने, तो हमने तो अभी किताबें लेनी शुरू की, अब परसों तो यार आज तो बुक लेके आया है, ठीक। ये तो तेरे को पहले दिन ले लेनी चाहिए थी, ऐसा ही ना। और आपको याद होगा मैं आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ, मैंने इतना बड़ा कितनी बुक्स लिखी थी यहाँ पे, आप उस टाइम सोच रहे थे कि यार ये कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं,
एच सी वर्मा एक बुक होती है, फिर एक ये बुक होती है, एक जी आर बी की बुक होती है, एक सबसे ऊपर ये बुक, ऐसे कैसे होता है? कोई भी एक बुक ले लो, फिजिक्स तो वैसे तैयार हो जाती है। फिजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी एक किताब से तैयार हो ही नहीं सकता, पक्की बात, या आपने एक्सपीरियंस करके देख लिया। आपको मल्टीपल बुक्स इकट्ठी चलानी पड़ती हैं, कुछ बुक में कोई कंटेंट अच्छा है, किसी में कोई कंटेंट अच्छा है, किसी में कोई कंटेंट अच्छा है, ये आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि किस बुक में कौन सा कंटेंट सही है। ठीक, तो लास्ट टॉपिक से खत्म करते हैं ऐसे। टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS, प्लीज साइलेंस। जहां इतनी देर तक पेशेंस रखी है, 1 सेकेंड में, 2 मिनट में, कोई कुछ नहीं जाता। क्या नाम है, खुशबू। लास्ट है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। मैं कर दूं या छुट्टी करूं? ठीक, बोला नहीं। सो स्टार्ट कहां से करें, ए से कि वी से? ओके, तो ए इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें टाइम तो आ नहीं रहा, इसको डीएक्स से मल्टीप्लाई और डीएक्स से डिवाइड, तो इसके उल्टे पेयर्स बना लेंगे। तो ए इज इक्वल टू डीवी बाय डीएक्स इनटू डीएक्स बाय डीटी। डीएक्स बाय डीटी क्या होता है, वी। तो ए इनटू डीएक्स इज इक्वल टू वी इनटू डीवी। तो इंटीग्रेशन करेंगे यू से वी तक, 0 से S तक, क्योंकि एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो लिमिट डिस्प्लेसमेंट की, और ये वेलोसिटी है तो लिमिट वेलोसिटी की। ए कांस्टेंट है तो यहां पर एस आ गया 0 से लेके S, या एक्स आ गया 0 से लेके S। वी स्क्वायर बाय 2 यू से लेके वी तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए इंटू एस। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या जाएगा, 2A। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम इसके न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट टाइम मिलना कब है?